हेलो फ्रेंड्स, गोरेलाल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड, बीपीएससी की तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज़ क्या खबर आई है, तो कहता है क्या, TRE3 का अब तक कोई भी रोस्टर नहीं मिल पाया है आयोग को। 1 से 8 तक का संशोधित रोस्टर कल शाम तक जाएगा GD को। शिक्षा विभाग ने रोस्टर में क्या संशोधन, कल शाम के बाद रिक्तियों को मिल सकती है जानकारी। वही TGT और PGT का भी रोस्टर कल भेजा जाएगा GD को। जिलों से फिर से रोस्टर में सुधार के बाद तैयार हुआ रोस्टर, प्राप्त होते ही सभी रोस्टर को GD फिर करेगा जांच। पांच नवंबर तक आयोग को भेजा जा सकता है फाइनल रूप से रोस्टर। TRE3 का रिजल्ट 15 नवंबर के बाद ही जारी होगा। HM और हेड टीचर का रिजल्ट हुआ तैयार। 69वीं CCE साक्षात्कार की वजह से नहीं हो पाया है सिग्नेचर। आयोग के सभी मेंबर्स की सहमति का इंतजार। 30 अक्टूबर तक इंटरव्यू 2 नवंबर से 4 नवंबर के बीच जारी होगा HM और हेडमास्टर का रिजल्ट। तो ये है आपका BPSC की तरफ से खबर। तो दोस्तों, तो ये आपको 15 नवंबर से पहले BPSC TRE3 का रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये तो पूरे ही बोल दिया है। अब ये कम से कम लगभग हमको लगता है दिसंबर के अंत का, मतलब अंतिम सप्ताह, ऐसे नवंबर का अंतिम सप्ताह ले लेगा। तो चलिए, और आप तो BPSC TRE4 जब भी आएगा तो वो फिक्स है कि फरवरी मार्च में ही आएगा, क्योंकि रिजल्ट देगा, फिर ज्वाइनिंग करवाएगा, तब जाके इस तरह से होगा। इसलिए आप TRE4 के लिए पढ़ने के लिए आप कम से कम 6 मंथ का मौका मिल गया है। तो चलिए पढ़िए, और जो CTET का एग्जाम जो दिसंबर में देगा उसके लिए भी एलिजिबल हो गया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत अच्छा की बात है, जो कि ये एक तरह से एग्जाम मतलब रिजल्ट डिले हो रहा है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।